बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर जाके फोकस करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से किस तरह रिमूव करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट को एमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, कुछ उसको यूरिया की फॉर्म में, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर और इसके बाद जो वीडियो होगी, इसमें पहले हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद जो पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें से हो सकते हैं उसको हम लोग जाके देखेंगे। जब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, जनरली जब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें होम्योस्टेसिस में जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस होते हैं उनको आपकी बॉडी से एलिमिनेट करता है। अभी ह्यूमन बींग्स के अंदर जब आप लोग देखते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी का स्किन होता है, जो लिवर, जो लंग्स और जो किडनीज होती हैं, ये सारे के सारे किसी ना किसी फॉर्म में आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने में आपको हेल्प देता है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ किडनीज के ऊपर होगा कि किडनीज ह्यूमन बींग्स के लिए इस पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह जाके काम करते हैं। अभी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनीज होती हैं वो आपके पास पेयर फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक ह्यूमन बॉडी, हर एक नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर आपको दो किडनीज मिलती हैं, और इनके शेप को अगर आप लोग देखते हैं, ये आपके पास बीन शेप्ड फॉर्म में होता है। मतलब जो आपके पास बीन्स होते हैं उसकी तरह इन किडनीज का शेप होता है। इसकी अगर आप लोग लोकेशन को देखते हैं कि ये आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है उसको, उसके दोनों साइड पे आपके पास किडनी प्रेजेंट होती है। लाइक एक साइड पे एक किडनी प्रेजेंट होती है, यू कैन, इफ दिस इज योर वर्टेब्रल कॉलम, तो एक किडनी एक साइड पे प्रेजेंट है, दूसरी जो किडनी है वो आपके इस दूसरे साइड के ऊपर प्रेजेंट है। इसकी अगर आप लोग इसकी लोकेशन को और स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे यूजुअली आपका जो डायफ्राम होता है वो जाके खत्म हो जाता है। तो डायफ्राम से नीचे आपकी जो किडनीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड योर बेली, जो आपकी बेली होती है उसके बैक साइड पे आपकी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। अभी किडनीज की अगर आप लोग डायमेंशंस को देखते हैं तो जो आपके पास किडनी होती है इसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास 11 टू 12 सेंटीमीटर, या यू कैन से 4 से 5 इंच आपके पास होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो यूजुअली 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर होती है। इसके वेट को अगर आप लोग देखते हैं, एक जो आपके पास किडनी होती है यूजुअली उसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम्स होता है। अभी आपके पास जो दो किडनीज होती हैं, एक को राइट किडनी कहा जाता है, एक को लेफ्ट किडनी कहा जाता है, तो इनकी जो पोजीशन होती है आपकी बॉडी में वो एसिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब यह है कि एक किडनी ऊपर प्रेजेंट होती है, दूसरी उससे थोड़ी नीचे प्रेजेंट होती है, और इस फिनोमेना को हम लोग, और इस पोजीशन को यूजुअली हम लोग एसिमेट्रिकल पोजीशन कहते हैं। जो आपकी राइट किडनी होती है, यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जो आपकी राइट किडनी होती है ये यूजुअली आपके लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो राइट किडनी होती है इसके ऊपर जो लिवर लॉब होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन नीचे आ जाती है। सेकेंडली आपके पास जो किडनीज होती हैं, आपके जो 11th और 12th रिब जो आपके पास होती है वो आपकी इस किडनी का जो अपर पार्ट होता है उसको पार्शली जाके प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप लोग इसको समराइज करते हैं, आपकी जो किडनीज होती हैं वो आपके स्पाइनल कार्ड, एक किडनी स्पाइनल कार्ड की एक साइड पे, दूसरी दूसरी साइड पे, बिलो द डायफ्राम एंड बिहाइंड योर बेली वो आपके पास प्रेजेंट होती है, और राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। किडनी का जो शेप होता है, इसका जो आउटर सर्फेस होता है वो आपके पास कन्वेक्स होता है, और जो इनर इसका सरफेस होता है वो कनकेव होता है। ये आपके पास अगर आप लोग कन्वेक्स को देखते हैं, कन्वेक्स यूजुअली हम लोग इस शेप को कहते हैं,
कनकेव यूजुअली हम लोग इस शेप को कहते हैं। सो जो किडनी का आउटर सरफेस होता है वो इस फॉर्म में होता है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो इनर साइड होता है वो आपके पास कनकेव फॉर्म में होता है। जो आपके पास इनर सरफेस होता है किडनी का, जो इंटीरियर पोर्शन होता है, वहां पे आपके पास एक डीप नॉच प्रेजेंट होता है, एक डेप्थ सी प्रेजेंट होती है, जिसको हाइलम या जिसको हाइलस कहा जाता है। तो हाइलस और हाइलम एक ही चीज को जाके रेफर कर रहा है, जो डीप नॉच किडनी के अंदर होता है इसको हाइलम कहा जाता है या इसको हाइलस कहा जाता है। जो रीनल आर्टरीज होती हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो इसी हाइलम से किडनी में इंटर होते हैं, और जो रीनल वेन और यूरेटर होता है वो इसी हाइलम से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जो आर्टरीज और जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व्स होते हैं, वो इसी हाइलम के अंदर आ रहे होते हैं, और जो आपकी रीनल वेन और यूरेटर होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो बाहर की तरफ जाके मूव कर रहे होते हैं। हर एक किडनी के सराउंडिंग में, या हर एक किडनी जो होती है उसको एक टफ मेम्ब्रेन सराउंड करता है, और उस मेम्ब्रेन को हम लोग रीनल पेरिटोनियम कहते हैं। तो सिंपली आपकी जो किडनी होती है उसका आउटर सरफेस आपके पास कन्वेक्स होता है, इनर सरफेस उसका कनकेव होता है, और उसमें एक डीप नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। अभी अगर आप लोग किडनी को देखते हैं तो किडनी का जो आउटर सरफेस होता है, हर एक किडनी के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को आउटर रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक को इनर रीनल मेडुला कहा जाता है, और एक को रीनल पेल्विस कहा जाता है। ये आपके पास एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम है इन तीनों पार्ट्स को समझने के लिए। बाहर का ये जो पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक किडनी है, तो इसके बाहर का ये वाला जो पार्ट है इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आउटर से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है उसको रीनल मेडुला कहा जाता है, और सबसे बाहर का जो पोर्शन होता है उसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे आपके पास नेफ्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं। तो जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वहां पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका काम ये होता है कि वो आपके ब्लड की जाके फिल्ट्रेशन करता है। तो फिल्ट्रेशन का जो काम होता है कॉर्टेक्स में, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो जाके ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। अभी जब आप लोग इस रीनल मेडुला को देखते हैं, रीनल मेडुला के अंदर आपके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। और इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यूजुअली इनको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि यहाँ पे आपके पास यूरिन बनता है, और जो यूरिन होता है वो इन रीनल पिरामिड्स से आपके इस रीनल पेल्विस तक आ रहा होता है। तो आपके कॉर्टेक्स में जाके ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे इन पिरामिड्स के अंदर ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे यूरिन बन रहा है, और वो यूरिन रीनल मेडुला से जाके मूव करता है इनटू दी रीनल पेल्विस। ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ये जो रीनल पेल्विस आपके पास होता है, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखते हैं, ये यूजुअली जो किडनी की सेंट्रल कैविटी होती है इसको ये ऑक्यूपाई कर रहा होता है, और बाहर ये जब निकलता है किडनी से तो ये नैरो होता जाता है। यहाँ पे इसकी डायमेंशंस को अगर आप लोग देखते हैं, ये आपको बहुत ये काफी स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये किडनी से निकलता है ये नैरो होता जाता है, और यहाँ पे ये यूरेटर को जाके ज्वाइन कर देता है। तो आपके पास जो यूरिन होता है वो फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर की तरफ चला जाता है। तो अगर आप लोग इसको समराइज करते हैं, कॉर्टेक्स में जाके आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, आपके रीनल मेडुला में जो रीनल पिरामिड्स होते हैं वहां पे यूरिन बनता है, वो जाके रीनल पेल्विस में मूव करता है, और रीनल पेल्विस से जाके वो यूरेटर की तरफ मूव करता है। अभी यूरेटर आपके पास क्या होता है, ये अगर आपके पास दो किडनीज हैं, इन किडनी से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं,
इनको यूरेटर्स कहा जाता है। तो हर एक किडनी से यूरेटर जाके निकल रहे हैं। इन यूरेटर्स को अगर आप लोग देखते हैं, ये आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो किडनी से जाके यूरिन को प्रोपेल करता है या मूव करता है टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आपकी किडनी में यूरिन बन जाता है, यहां से यूरेटर इस यूरिन को लेके इस यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। जब आप लोग ह्यूमन एडल्ट्स के अंदर देखते हैं, यूरेटर की जो लेंथ होती है वो यूजुअली 25 टू 30 सेंटीमीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो यूजुअली 3 टू 4 मिलीमीटर होता है। जो यूरेटर आपके पास होते हैं दे अराइज फ्रॉम द हाइलस। यहाँ पे ये जो डीप नॉच मैंने आपको बताया था, जो उसको चूंकि हम लोग हाइलस कहते हैं, इसलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि यूरेटर कहाँ से निकलता है, वो किडनीज के हाइलस से निकलता है और ये आपके पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। आपके ये जो यूरेटर्स होते हैं वो जाके यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर के अंदर लेके आते हैं। अभी यूरिनरी ब्लेडर किस चीज को कहते हैं? यूरिनरी ब्लेडर जो आपके पास है ये एक मस्कुलर सैक आपके पास होता है जो आपके पास जो पेल्विस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। इसके वॉल्स को अगर आप लोग देखते हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं यूरिनरी ब्लेडर के, वो आपके पास एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और जब वो आपके पास मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इसकी एक्सपेंशन भी हो सकती है और इसकी डायलेशन भी हो सकती है, मतलब ये यूरिन को जाके स्टोर कर सकता है। जब ब्लेडर एम्प्टी होता है, मतलब जब वहां पे यूरिन नहीं होता, तो इसका जो साइज या इसका जो शेप होता है वो पेयर लाइक होता है। यूरिन आपकी किडनीज के अंदर बनता है और वो यूरेटर्स के थ्रू जाके आपके इन ब्लेडर्स के अंदर आ रहा होता है। अभी एक तो आपके ब्लेडर के जो वॉल्स होते हैं ये मस्कुलर होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सपेंड या डायलेट, इसकी जो एक्सपेंशन होती है या इसकी जो डायलेशन होती है वो जाके हो सकती है। एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिनको स्पिंटर्स कहा जाता है और ये जो स्पिंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि आपके ब्लेडर का जो लोअर पार्ट होता है उसको जाके वो गार्ड कर रहे होते हैं। अगर ये आपके पास ब्लेडर है तो इसके जो वॉल्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, लेकिन इनके नीचे अगर आप लोग इसके लोअर साइड को देखते हैं, जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पे, ये आपके पास ये मस्कुलर फाइबर्स होते हैं जिनको स्पिंटर्स कहा जाता है। और ये जो स्पिंटर्स होते हैं ये आपके इस ब्लेडर को अलाउ करते हैं कि वो यूरिन को जाके स्टोर कर सके। और यूजुअली जो ब्लेडर आपके पास होता है वो 0.5 से लेके 1 लीटर तक जो यूरिन होता है उसको वो स्टोर कर सकता है। और इसी स्टोरेज की वजह से जो यूरिनेशन होती है वो आपके पास इनफ्रिक्वेंट होती है या जाके आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक 5-6 घंटे जाके आप लोग जो ब्लेडर होता है उसके अंदर यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ों का रोल होता है, ये जो इसके मस्कुलर वॉल्स होते हैं और ये जो आपके पास रिंग ऑफ मस्कुलर फाइबर्स जिनको स्पिंटर्स कहा जाता है, इसकी वजह से ये जो ब्लेडर होता है ये स्टोरेज के तौर पे काम कर सकता है। अभी जब आप लोग यूरिनेशन करते हैं, मतलब यूरिन को जब आप लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस केस में क्या होता है कि ये जो आपके स्पिंटर मसल्स होते हैं ये जाके रिलैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और यूरिन जो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है उस फिनोमिना को मिक्टुरेशन कहा जाता है। अभी जो लास्ट पार्ट होता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। अभी यूरेथ्रा को अगर आप लोग देखते हैं, ये आपके पास एक थिन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है दैट बिगिंस एट द लोअर ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर, मतलब जहां पे आपका ब्लेडर खत्म हो जाता है उसका जो नीचे का पार्ट होता है वहां से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है, दैट एक्सटेंड्स थ्रू द पेल्विक एंड यूरोजेनिटल डायफ्राम टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ये आपके पास यूरेथ्रा है, तो जो पोर्शन ब्लेडर के करीब होता है उसको प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा कहते हैं, जो उससे दूर होता है उसको डिस्टल यूरेथ्रा कहा जाता है। और ये जो आपके पास जहां से यूरिन बाहर की तरफ निकलता है उसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके फीमेल यूरेथ्रा का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अभी जब आप लोग मेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपका ब्लेडर है,
ये आपके पास प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा है, ये आपके पास डिस्टल यूरेथ्रा है। मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है आपके टेस्टिस के साथ वो कांटेक्ट में होता है। यहाँ पे इन ट्यूब्स को अगर आप लोग देखते हैं तो इन ट्यूब्स के थ्रू आपके पास जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी यूरेथ्रा में मूव करते हैं और उसकी वजह से मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा होता है वो इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म के तौर के भी इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म के लिए भी जाके यूटिलाइज हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके इसको ज़रूर शेयर करें।